नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन एंड रविंदर पंचोली जी। सर जय श्री राम। जय श्री राम, जय भारत, जय भारत। सर आज बहुत अच्छी अच्छी न्यूज है केजरीवाल की तरफ से, और भी बड़ी अच्छी न्यूज है जो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले पहले तो मीना जी नमस्कार, आपको भी वेटिंग, हम भी वेट कर रहे थे आपके लिए। और गजेंद्र भाई पटेल जय श्री राम। लेकिन सबसे पहले जो जय श्री मूवमेंट है, श्री राम मूवमेंट है, वो है हमारा तेजस 4.5 जो है वो भी तैयार हो गया है, टेस्ट ड्राइव हो गई है, मजा लीजिए। इतनी दहाड़ ही बहुत थी, 6 सेकंड में हमने दुश्मनों को कर दिया है मात। ये टेस्ट ड्राइव आज पहली जो वीडियो निकली है वो मैंने शेयर करी आप लोगों के साथ। सर ये कितनी बड़ी उपलब्धि है ये बताइए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सब दूसरों के आगे हाथ फैलाते थे हथियारों के लिए, और आज हम 4.5 वाली स्टेज पे पहुंचे हैं। नेक्स्ट जनरेशन जो अभी बन रहे हैं एडवांस सारे, वो 5th जनरेशन के बन रहे हैं, तो अगली स्टेप हमारा 5th जनरेशन की ओर है। तो ये उसकी तैयारी हो गई है कि यस वी कैन मेक इट। ये तो हमने बना दिया 4.5। यस अब 5th जनरेशन का हम लोग बना रहे हैं। सर मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं ये सारी चीजें देखता हूँ भारत में होती हुई। कहाँ तो हम गिड़गिड़ाते थे दूसरी कंट्रीज को कि हमें प्लेन दे दीजिए, हमें टेक्नोलॉजी दे दीजिए। हमें किसी ने टेक्नोलॉजी नहीं दी, हमने खुद ही बना दिया। गुरुंग जी नमस्कार, नेपाल से, जय पशुपतिनाथ। जय पशुपतिनाथ। सर अभी जितनी तेजी से हमने तेजस को उड़ते देखा, उतनी तेजी से हमने ईडी का केस चलता हुआ देखा है केजरीवाल के खिलाफ। हाई कोर्ट में भी उतनी तेजी से ये गए थे, उतनी तेजी से ही बाहर निकल गए इनके वकील। आज क्या हुआ सर? आज कोर्ट में ये हुआ कि ये गए थे कि शायद इनको रिमांड ना मिले ईडी को, और ये बाहर आ जाए और सीना चौड़ा करके निकले। विपक्षी दलों को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा कि देखा जबरदस्ती फंसाया था, कोर्ट ने छोड़ दिया। पर कोर्ट ने इनको कुछ कहा नहीं। अभी ईडी का पक्ष मैंने बोला था, अभी ईडी ने भी कैवियट डाली है कि हमारा पक्ष सुना जाए, तो अब ईडी का पक्ष सुनेंगे। 1 तारीख तक इसको फिर से पंखे में लटकाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो इसको चारों तरफ से हवा मिले ऐसी व्यवस्था की जाएगी। और वैसे ये काफी कबूल भी चुका है क्या सर? आपको लगता नहीं है कि 1 अप्रैल की डेट दी है तो ये अप्रैल फूल ना बन जाए गई केजरीवाल का? 1 अप्रैल को डेट भी दी है 1 अप्रैल की, अप्रैल फूल तो नहीं हो जाएगा? वो अप्रैल फूल ही होने वाला है। और इन्होंने मतलब इतनी सारी बातें कही कि सर वो तो मतलब ये जो इन्होंने ढिंडोरा पीटा था ना कि केजरीवाल आज एक बहुत बड़ा उद्घाटन का वो रहस्य उद्घाटन करने वाला है, उद्घाटन नहीं रहस्य का उद्घाटन, रहस्य खोलने वाला है। और रहस्य क्या, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वही इलेक्ट्रल बांड के साहब। वो तो उससे शरद शेट्टी को उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया और उससे पैसे ले लिए 60 करोड़, और उसके बाद उसको जमानत पे वो छोड़ दिया। अरे छोड़ा तो कोर्ट ने यार, मोदी ने छोड़ा कि बीजेपी ने छोड़ा है? बेवकूफों जैसी बातें करा करते हैं ये लोग। इनके फेवर में नहीं हो तो सारी संस्थाएं बिकाऊ है, वो कोर्ट भी बिकाऊ है, सुप्रीम कोर्ट भी बिकाऊ है, और डीवाई चंद्रचूड़ भी बिकाऊ है। और डीवाई चंद्रचूड़ जरा सरकार के और मोदी जी के खिलाफ 2 शब्द बोल दे तो ये पूरे दुनिया में नाचते फिरते हैं कि एक यही बंदा है जो मोदी को टक्कर दे रहा है। ज्योति जी आपने बोला है कि CIA का कनेक्शन केजरीवाल के साथ एक्सपोज कीजिए। मैं आज वीडियो बना रहा हूं इसके लिए, कल आपको दिख जाएगा कि इसका CIA के साथ पूरी इन्वेस्टिगेशन पंचोली जी ने हमने मिलकर किया है। कल आपको वीडियो दिखाऊंगा इसके ऊपर कि भाई कैसा इसका कनेक्शन था CIA के साथ। सर जैसे ये कनेक्शन है इसका केजरीवाल का भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपको याद होगा कुछ देर पहले एक जो रविश कुमार है उसने इसकी इंटरव्यू में इसे क्वेश्चन पूछे थे कि भैया तेरे पास 50 लाख रुपए कहां से आए, तुमने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, और जिस आदमी ने तुम्हें पैसे दिए हैं उसका अता पता भी नहीं है। आप इसकी इंटरव्यू सुनिए
कि कितना बेईमान आदमी है ये। मेरे को पता तो चले, मैं जितना इसको देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है कि एक डिलीजेंस आपसे चूक हुई है कि आपको पता करना चाहिए था कि ये 50 लाख रुपया कौन दे रहा है। ये दे रहा है ना हेमराज, जो भी आप बोल रहे हो ये दे रहा है। पता कर कोई कंपनी जो करावल नगर गोकुलपुरी में अगर 50 लाख मिलते हैं तो सबको वहीं चलना चाहिए। तो सर ये एड्रेस हो सकता है ये गड़बड़ हो एड्रेस? आप ये कह रहे हो हमें उस एड्रेस, उसका एड्रेस पता करना चाहिए, मतलब जो भी हमें पता पैसा करना चाहिए था उस एड्रेस से आपको पता करना चाहिए। अब जो भी हमें देने आए हम ये देखे रवीश कहाँ रहता है। बड़ी जो भी की बात नहीं, अगर कोई 10,000 5,000 दे रहा है, कोई 50 लाख दे रहा है, कोई अगर कोई 500 करोड़ रुपया कल को चंदा दे दे तो आप बिल्कुल पता नहीं करेंगे। मैं सहमत नहीं हूँ आपसे। अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई 50,000 रुपए देने आए, 1 लाख रुपए देने आए, 2 लाख रुपए देने आए, हमारे लिए तो सर 50,000 रुपए भी बहुत ज्यादा है। 50,000 रुपए देने आए, मैं उसका एड्रेस देखने के लिए जाऊं, ये इस एड्रेस पे रहता है कि नहीं रहता, इसने कहां से कमाया, इसको किसने दिया? सर वो दूसरी पार्टी देखे, मैंने अपनी ट्रांजैक्शन ईमानदारी से देखा तभी तो बताया ना बीजेपी। अच्छी बात है सर, सारे देखो ना, मैं तो कह रहा हूँ जांच करो, रवीश भी जांच करे, एनडीटीवी वाले भी जांच करे, एबीपी वाले भी जांच करे, फलाने भी करे जांच, और सारी एजेंसी जांच करें। अगर केजरीवाल ने कुछ गड़बड़ किया सर, मेरे को 2 साल की सजा है तो 10 साल की दे दो। अगर उन्होंने जांच की, उन्होंने गड़बड़ किया, उसको सजा दे दो। कीचड़ क्यों फेंक रहे हो चुनाव के 4 महीने पहले, सवाल 4 दिन पहले? जो सवाल, सवाल नहीं है सर, पॉलिटिक्स है, सवाल नहीं है पॉलिटिक्स है। मैं समझता हूँ चुनाव का, लेकिन जब सवाल सही है ना तो फिर सवाल का जवाब हम जवाब दे रहे हैं सर। नहीं, जवाब दे रहे हैं। आप अगर इतना भी स्वीकार करते कि लग ठीक है कि चलिए आप कह रहे हैं कि हाँ उतना दिया, मुझे लगता है कि ईमान डूल गया होगा। 50 लाख 2 करोड़ हम बेईमान है, हम बेईमान। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप पता कर लेते थोड़ा सा एक्स्ट्रा। सर उसने बोला है रवीश कुमार ने ईमान आपका डोल गया है, तो कह रहा मैं बेईमान हूँ। और भाई इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या चाहिए कि रवीश कुमार जैसे ने आपको एक्सपोज कर दिया। भैया ये तब का है जब ये नए नए ईमानदार पैदा हुए थे, अब तो ये 2,873 करोड़ डकार गया है, खा गया और डकार भी नहीं लिए, डकार नहीं गया, खा गया और डकार भी नहीं लिए इसमें। सही बात है सर। और देखिए ईमानदारी का तो ढोंग ऐसे करते थे कि मेरे से ज्यादा कोई ईमानदार इस दुनिया में है ही नहीं, और ईमानदारी का जो पिता लेके बैठे थे उससे सबसे ज्यादा बेईमान ये केजरीवाल निकला। लेकिन सर इसके जब मैंने देखा कि दिल्ली में यहाँ पे इनके जो सपोर्टर्स हैं, कई लोगों ने बोला भी कि इसके सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट दिल्ली के अंदर मिल रही है, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि इस बंदे को इतना ज्यादा एक्सपोज किया गया लेकिन दिल्ली के लोग अभी भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो कि कितनी ज्यादा सपोर्ट दिल्ली वाले कर रहे हैं आज की डेट में। चलो चलो जाके इलाज करो। गजब बेइज्जती है। सर ये मात्र 5 लोग थे, देखिए 5 लोग थे और आपने अपने एक्स हैंडल पे डाल दिया कि पूरी दिल्ली विरोध में खड़ी हुई है। मात्र 5 लोग थे और लोग पड़ताल लेने को भी तैयार नहीं थे, ये तो हालत है। और आज इन्होंने एक झूठ और फैलाया कि देख लो तानाशाह कोर्ट ने मतलब जेल से सरकार चलाने का आदेश दे दिया है, जो इनकी एक अपील किसी ने PIL डाली थी कि इसको बर्खास्त किया जाए, इसका इस्तीफा लिया जाए। तो हाई कोर्ट ने डिसीजन ये दिया है कि भाई साहब ये हमारा काम नहीं है, ये कार्यपालिका काम कर रहे हैं। ये साले झूठ फैलाने में इतना माहिर है कि देख लो हाई कोर्ट ने कह दिया कि जेल से सरकार चलेगी और ये होगा। ये समझते हैं कि लोग सारे बेवकूफ हैं। वो दिल्ली वाले तो है जिसमें कहीं कोई शक नहीं, दिल्ली और पंजाब वाले बिल्कुल ढा ढक्कन के हैं सारे, वो बेवकूफ बन सकते हैं बाकी हिंदुस्तान के नहीं बन सकते। आप सोच के देखिए सैन मेरिनो ने क्या बोल रहे हैं कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड तक नहीं दे रहा ईडी को। सर जब तक पासवर्ड मिलेगा नहीं मुझे लगता है इसको बाहर निकालेंगे नहीं। सारे फोन और सारे डिवाइसेस के पासवर्ड तक नहीं दे रहा ये आदमी, और कहता है कि मैं दूध का धुला हुआ हूं, अगर कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं तो पासवर्ड दे दे। इसकी बीबी का तो फोन का उन्होंने खोल लिया है लॉक, इसके 4 और डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक और फोन, उसका भी खुल जाएगा। आजकल डिजिटल फुटप्रिंट निकालने में कोई बहुत टाइम नहीं लगता, एक से एक बड़े कलाकार है हिंदुस्तान में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो निकल आएगा।
ये जो केजरीवाल का कहते हैं वीडियो है कोई फेसबुक के ऊपर, बहुत मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई हमारा पूरा सिस्टम का मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसा भी कुछ है क्या? काय का सिस्टम का मजाक उड़ाया जा रहा है, उससे क्या होता है? इनका तो काम ही पूरे सिस्टम का मजाक उड़ाना रहा है। जो 26 जनवरी पे धरना देने बैठ जाए, ओके मैं तो एनआरकिस्ट हूं, तो आप उनसे उम्मीद क्या कर सकते हो? सही बात है, लेकिन सर इसको एक्सपोज किया बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक ऑटो रिक्शा वाले ने दिल्ली में। आज पहले उसकी बात सुन लेते हैं। केजरीवाल अभी हिरासत में है, ईडी ने उन्हें पकड़ा हुआ है, तो क्या ये सही लगता है? हाँ जी सही है। कैसे? देखो इस जनता को दूध की जरूरत थी, शराब की जरूरत तो थी नहीं। अच्छा। अगर आप दूध की एक थैली के साथ एक थैली फ्री देते तो बहुत अच्छी बात थी, बहुत खुशी की बात थी, जनता भी खुश होती। अब आपने क्या नियम कायदा कानून निकाला कि एक 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 शराब की बोतल के साथ एक शराब फ्री, एक बोतल फ्री, तो ये तो अच्छी बात है नहीं, तो समाज को बिगाड़ने वाली बात है ये तो। मगर आप लोगों ने ही, ऑटो वालों ने ही तो सरकार बनाई थी, उनकी खूब प्रचार प्रसार किया था। अब आप एक बात बताओ ना, किसी के माथे पे तो लिख नहीं रहा है। उस टाइम तो इमोशनल कर दिया सबको कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, अच्छा करूंगा। अब अच्छा करने विश्वास जताया तो विश्वास तो देखो विश्वास तो करना ही पड़ता है। अब पहले से तो उनको भुगता नहीं था, वो फर्स्ट टाइम आए थे, सबने भरोसा कर लिया। अब अगर कोई बात होती है तो ये क्या कह देते हैं कि जी मोदी जी मुझे कुछ करने नहीं दे रहे। आप पूरे बहुमत से हो, समस्त जनता आपके साथ में है, तो क्या आप अपनी कोई बात मनवा नहीं सकते हो? मगर नहीं, वो तो माल खाना है और चुपचाप सो जाना है और मोदी जी को कह देना है कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। सर एक ऑटो वाला कैसे उसको एक्सपोज कर रहा, देखिए आप। देखिए ये तो है तो बहुत बड़ा कलाकार, उसने बोला भी है कि इमोशनल ब्लैकमेल करने में पब्लिक को बड़ा होशियार है, पर अब मेरे ख्याल से दिल्ली की जनता के की आँख खुल गई होगी। अच्छा एक कलाकार ही और बताता हूँ इसकी मैं। ये पट्टा चाह रहा था कि मैं जेल से सरकार चलाऊ, मुझे बर्खास्त करे, ये करे वो करे, पर हुआ नहीं। और ये चाहता है कि ये बर्खास्त हो, क्योंकि अगर ये जेल चला गया और सरकार बर्खास्त नहीं हुई तो इसकी पार्टी में फूट पड़ जाएगी। हर आदमी बोलेगा कि मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री। संगठन तो कुछ है नहीं, सीधा सीधा यही सब पूरा खेल खेल रहा था। तो पार्टी में फूट ना पड़े इसके लिए ये खुद चाहता है कि इसकी सरकार बर्खास्त हो जाए। वो कई बड़े बड़े महान धुरंधर कह रहे हैं कि साहब वो तो मतलब ऐसी स्थिति आ गई है सरकार को, अभी क्या पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद जब वो कह देंगे कि नहीं भाई इसको कर दे अंदर, फिर जब फिर एलजी का रोल आएगा। अभी एलजी का रोल नहीं आता। कई लोग पूछ रहे हैं कि साहब इसको इसकी सरकार बर्खास्त क्यों नहीं कर रहा है, इसको वो क्यों नहीं कर रहा है, इसलिए कि अभी पूछताछ जारी है। अभी ऑफिस चला नहीं सकता है, कोई फाइल नहीं मंगा सकता है। ठीक है मुख्यमंत्री बन के बैठा है तो बैठा रहे जेल में, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? सर एक ये आर्यवीर जी बोल रहे हैं कि क्या ईडी कस्टडी में टॉर्चर किया जाएगा। मैं आर्यवीर जी आपको एक आंसर देना चाहता हूं कि आज सुबह ही किसी ने मेरे कमेंट्स में डाला था कि उन्होंने आंखें बंद करी और उन्हें दिखा कि केजरीवाल को मुर्गा बनाया गया है। तो मुझे लगता है क्योंकि उसकी वाइफ ने बोला था कि आप आंखें बंद करें, केजरीवाल आपके सामने आएगा, तो उसको आंसर दिख गया है। तो मैं शायद पंचोली जी से पूछने की जरूरत नहीं है कि उन्हें वहां पे ईडी में टॉर्चर किया जाएगा नहीं जाएगा। लोगों के जो आंखें बंद करने के बाद जैसे ही वो ज्ञान मुद्रा में गए, ध्यान मुद्रा में गए, उन्हें मुर्गा दिखा बनाया हुआ केजरीवाल का। सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल ऐड करना चाहूंगा। वाकई में इनकी खातिरदारी हो रही है और बहुत अच्छे से हो रही है। इनकी बीबी जो कह रही है शुगर अप एंड डाउन हो रही है, 46 पे पहुंच गई है, ये भी सरासर झूठ है। हमारे एक सोर्स ने बताया है कि साहब ईडी जहाँ इनसे पूछताछ कर रही है वहाँ केले रखे हैं, बहुत सारी टॉफियां रखी है कि कभी शुगर डाउन होने लगे तो आप टॉफी खा ले, केला खा ले। तो ये इसकी बीबी जो बोल रही है सरासर झूठ बोल रही है, ये मतलब आई विटनेस की तरफ से बोला गया है कि वहां क्या हो रहा है। सर मुझे लगता है कि इतना बड़ा ये नाटकबाज है और इसलिए पूरी की पूरी वो कही हुई है प्लानिंग पहले से कि मैं अंदर जाऊंगा क्या होगा, मेरी बीवी क्या बोलेगी, मेरे कार्यकर्ता क्या बोलेंगे, कैसे मुझे एक महान एक नेता बना के दिखाया जाएगा। मुझे लगता है इसको देखने के बाद ऑस्कर वाले भी इसे ही अवार्ड देने वाले हैं बेस्ट एक्टर का। देख लेते हैं ऑस्कर वाले क्या बोलते हैं।
nominated in this category delivered resonating, evocative, and captivating performances. Here are the nominees for performance by an actor in a leading role. I'm again making it very clear on your channel, on your program today, I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। हमने अपने हर कैंडिडेट की जांच कराई है और मैं आपको तीन चीजों की गारंटी देता हूं। हमारे 70 के 70 कैंडिडेट्स ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं और किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ किसी कोर्ट के अंदर कोई संगीन अपराध का मुकदमा नहीं चल रहा है। किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है। And the Oscar goes to Arvind Kejriwal. Thank you. सर, ऑस्कर परफॉर्मेंस देखी, बिल्कुल डिजर्व करता है। इससे बेहतर एक्टर, इससे ज्यादा कमीना, इससे ज्यादा नाटकबाज पॉलिटिशियन हिंदुस्तान में कोई नहीं। सही बात है सर। आज एक और केस भी हुआ, वो था संजीव वाला, जो संजीव भट्ट का केस था, वही जिसने मोदी जी को और शाह को तंग किया था, उसका क्या हुआ सर कोर्ट में आज? उसको 20 साल की सजा हुई है। इसने ड्रग लेके एक वकील को फंसाने की कोशिश करी थी, वकील ने इन पे उल्टा केस कर दिया और सारे सबूत इनके खिलाफ पेश कर दिए। पालनपुर की कोर्ट ने इनको 20 साल की सजा दी थी, ये सुप्रीम कोर्ट में आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी वो सजा बरकरार रखी है। ये संजीव भट्ट वही आईपीएस है जिसको कांग्रेस ने प्लांट किया था कि मोदी जी ने जब दंगे हो रहे थे तो मोदी जी ने जो मीटिंग करी थी उसमें उनने कहा था कि पुलिस को अभी के 3 दिन कुछ मत करना, जबकि ये उस मीटिंग में मौजूद नहीं था। इसकी बीवी को मणिनगर से कांग्रेस ने चुनाव का विधानसभा का चुनाव लड़वाया था और इसने ही तिस्ता सितलवाड़ के साथ मिलके मोदी और शाह को फंसाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया था, पैसे खूब खाए थे और इनके कर्म सामने आ गए। कर्मा बोलते हैं ना, तो कर्मा इसके इसको ले आए अपनी जगह। सही सही बात है सर। एक ये सोनू गुप्ता हैं, ये बोलते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, थैंक यू सो मच। राघव चड्ढा जब गिरफ्तार होगा मैं उस दिन पार्टी करूंगा। सोनू जी, आपके जैसे कितने लोग थे जिन्होंने बोला था केजरीवाल जब जेल में जाएगा, गिरफ्तार होगा, हम पार्टी करेंगे? इतने इन्फॉर्म ही नहीं किया कि आपने पार्टी करी है। जो काम हो जाता है उसकी शाबाशी आप कभी देते नहीं और जो नहीं होता उसके बाद सुना देते हैं कि मैं पार्टी करूंगा। सर ऐसे नहीं चल सकता, ये भी दोगलापन है, क्या कहते हैं सर? बिल्कुल। अरे सुमित जी तो चाइना में, मैं तो यही हूँ भाई, मुझे ही बुला लो। सर मैं बता रहा हूँ आपको, जिस दिन केजरीवाल गिरफ्तार हुआ था उस दिन मैंने पार्टी की थी। मैं जो बोलता हूँ करके छोड़ता हूँ, आपको मेरी नेचर का मालूम है, लेकिन लोग क्या है कि जो काम हो जाता है उसके ऊपर कभी बोलते ही नहीं है और उसके बाद अगली बार सुना देंगे, अगली बार हम पार्टी करेंगे। अरे भाई हिंदुओं की यही प्रॉब्लम है। नहीं, और ये कब होगा? जो हो गया उसको भूल जाते हैं, अब ये कब होगा? अगली बार बोलेंगे, अगली बार क्या होगा। सर एक और मैसेज है, ये अंकित खोसा जी हैं, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा मैसेज भेजा कि सबके साथ मुझे शेयर करना चाहिए, मुझे भी लगा कि आई शुड शेयर इट विद यू। उन्होंने बोला कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन सबके अंदर एक चीज कॉमन है कि वहां पर सफाई बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो डेवलप भी करते हैं, टूरिज्म भी बढ़ता है। भारत के अंदर भी हमें सफाई रखनी चाहिए, मैं सहमत हूँ। प्लस उन्होंने बोला जो मंदिर है हमारे, वो मंदिरों में भी सफाई नहीं होती, हम चाहते हैं कि पंडित जी करें, पंडित जी कहते कोई और करे, कोई भी सफाई करता नहीं है। लेकिन गुरुद्वारे में आप देखिए, चर्चेज में देखिए, मैं कभी मस्जिद में गया नहीं तो मुझे पता नहीं, चर्च में मैं इसलिए गया हूं क्योंकि मेरा स्कूल ही क्रिश्चियन स्कूल था तो मुझे मालूम है कि वहां पे सफाई कितनी ज्यादा होती है। अगर हम
कभी भी मंदिरों में जाते हैं वहां पे हम सफाई खुद क्यों नहीं कर सकते जैसे गुरुद्वारों में होती है। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज अपने एक आंदोलन क्रिएट करना पड़ेगा। मोदी जी ने किया है लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी अपने देश को साफ रखें, स्वच्छ रखें, ताकि यहाँ पर टूरिज्म बढ़े और उसी से पैसा बनता है भाइयों। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। चाइना के अंदर भी मैं 20 साल से आ रहा हूँ, यहाँ पर यही हाल था कि यहाँ पर सफाई नहीं थी, लेकिन इन्होंने जैसे जैसे अपने आप को डेवलप करना शुरू किया, सफाई के ऊपर बहुत ध्यान दिया और एक कल्चर ऐसा बन गया कि अभी कोई भी यहाँ पर गंद डालता नहीं है। वही लोग हैं, वही सब कुछ है, सिस्टम में चेंज है। ये सब एक मानसिक वो चीज है कि हम जब करना शुरू करेंगे आगे हमारे बच्चे भी हमें फॉलो करेंगे। सर आपका टेक? मेरा टेक ये है कि खोसा जी शायद विदेश में रह रहे हैं और अभी उन्होंने जो फिलहाल जो डेवलपमेंट हुए और जो साफ सफाई के हुए हैं, अमृतसर से हमारे एक व्यूअर आए थे एंड ही वाज सरप्राइज्ड कि इतने साफ सुंदर मंदिर हैं उज्जैन के, महाकाल मंदिर उसने देखा, मध्य प्रदेश की सड़कें देखी, मध्य प्रदेश की गलियां उसने देखी और कहने लगा कि सर ये तो कमाल का हो गया। और हमारा ये इंदौर शहर, मेरा बर्थ प्लेस और मेरी कर्म भूमि और जन्म भूमि दोनों इस समय भारत में नंबर वन पे है साफ सफाई के मामले में। और आप आज के स्टेशन देख लीजिए, मंदिर आप काशी विश्वनाथ देख लीजिए, सब जगह है। हाँ ये मैं मानता हूँ जो टूरिस्ट जाते हैं वो प्लास्टिक की बोतलें वहां फेंक देते हैं, पॉलीथीन फेंक देते हैं, कम से कम वो काम ना करें। बाकी तो साफ सफाई के लिए वहां सारा हो रहा है, पर ये जो दर्शनार्थी है उनसे जरूर हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने धार्मिक स्थलों को या दर्शनीय स्थल है, पर्यटक स्थल है, उनको गंदा ना करें। सर विनोद मेहता जी बोलते हैं कि ऑल जैन मंदिर आर वेरी क्लीन। विनोद जी मैं खुद जैन हूँ, आई नो कि जैन मंदिर हमेशा ही साफ सुथरे होते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही हमारे मंदिर भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारी सनातन की जो एक पावर है, एक जो है ना हमारी धरोहर है, उसे क्लीन रखना ये हमारा सबका फर्ज है। शायद इसीलिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भी किया। अशोक पटेल जी बोल रहे हैं कि पंचोली जी का नंबर मिलेगा। सर यहाँ पर ईमेल आईडी दिया है, आप ईमेल कीजिए एंड ही विल टॉक टू यू। सुरेश मेहना जी आप बोल रहे हैं कि क्या भगवंत मान मर्ज करेगा बीजेपी के अंदर अपनी पार्टी को? मैंने भी ऐसी बात सुनी है, हमने वीडियो भी बनाया था, लेकिन पंचोली जी ने कंफर्म किया कि फिलहाल वो बैक साइड से बीजेपी को पूरा सपोर्ट करने वाला है पंजाब के अंदर, और इनके जो एक ही एमपी था पंजाब का वो भी बीजेपी के अंदर शामिल हो चुका है। इन्होंने जब बताया था उसके कुछ घंटे बाद ही ये काम हो गया था, विच वॉज सीक्रेटली डन, तो इसलिए हमने पहले ही इस चीज के ऊपर खुलासा कर दिया था। सर जब हम बात ऑलरेडी कर ही रहे हैं देश के लिए, एक और मैसेज है जो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना खतरनाक है और भाई हमारे खिलाफ इतने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं है। आपको सतर्क रहने की कितनी जरूरत है, आप ये वीडियो देखिए। Mark my words, AI is far more dangerous. Hey mom, hey dad, it's me, Ella. Well, a digital version of me, just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know for you these pictures are just memories, but for others they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. And I certainly don't want this. What you share online is like print that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me. So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy. So very important. ये उन लोगों के लिए है जो अपने परिवार की फोटो कहीं भी जाते हैं, फोटो डाल देते हैं, मैं आज यहाँ गया था, ये मेरी बीबी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी लड़की है, बड़ा शौक चढ़ा है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह। वो वही फोटो का कोई मिसयूज कर सकता है
आपकी आवाज की कॉपी हो जाती है और आपके नाम से कुछ भी पोर्नोग्राफी फिल्म बन सकती, कुछ भी हो सकता है। तो मेहरबानी करके अपने अपने परिवार की प्राइवेसी को मेंटेन रखें, उनके फोटो सोशल मीडिया पे ना शेयर करें। सर एसजी भी बोल रहे हैं कि वेरी ट्रू, एआई इज वेरी डेंजरस इफ मिसयूज्ड। सर कितना काम हमारे देश के खिलाफ हो रहा है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके, आपको अंदाजा भी नहीं है। मैं आज ही एक एग्जीबिशन थी यहाँ पर चाइना के अंदर, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर थी वो सारी, मैं उसको अटेंड करके आया हूँ। मैं हैरान रह गया देखकर, वो हमारी फोटो उन्होंने खींची और इमीडिएटली वीडियो बना दी हमारे साथ डांस करते हुए। आई वॉज शॉक टू सी कि कैसे एक सेकंड में ये कॉपी करके उसे चेंज कर सकते हैं। उन्होंने 3D में बनाया एंड दे कैन पुट योर वीडियो एनीवेयर, और ऐसे लगेगा कि वो सच है और किसी को भी जो चकमा दे सकती है वो वीडियो। तो प्लीज अपनी आइडेंटिटी को बचाइए। सारा टाइम हम हर एक चीज अपनी फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर डाल देते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। और जब कोई आपकी इस चीजों को आपके खिलाफ यूज करेगा, आपके पास बचने का कोई तरीका भी नहीं रहेगा। इसलिए प्लीज प्लीज सेव योरसेल्फ, तभी हमने ये वीडियो के अंदर इसका खुलासा किया है। सर आखिर में सनातन की बात करेंगे, आज शॉर्ट वीडियो बनाएंगे हम लोग। सनातन की पावर क्या है ये आप देखिए। सर हमारे योगी महाराज फायर के ऊपर लेटे हुए हैं, इसको बोलते हैं फायर ध्यान, फायर स्नान, और बीबीसी कवर कर रहा है इसको। ये वीडियो बीबीसी ने बनाई है जो कि सनातन के अगेंस्ट बोलता है हमेशा ही। सर सनातन पावर ये है हमारी योगियों की पावर, जो हमें भुला दिया गया था ये आतंकियों की तरफ से। ये बोलते थे कि ये तो ढोंग है, इसको कैसे ढोंग बोलोगे आप। इसके बाद पूरा आपने थोड़ा कट हो गया है, उसके बाद वो उठे थे, सिर्फ जरा सा कपड़ा इनका पीछे का जला था और उसके बाद ये गंगा स्नान करने गए थे। तो ये पहले अग्नि स्नान इन्होंने किया, फिर जल स्नान किया, और ये सारा बीबीसी ने शूट किया हुआ है। यस, वो सनातन की पावर को ये हमारे दिमाग में अंग्रेजों ने और मुगलों ने ऐसी गुलामी भर दी थी कि हम अपने संस्कृति को, हमारे कल्चर को, हम अपने माँ बाप को छोटा समझने लगे थे। कह रहे यार ये क्या है, देखो उसके माँ बाप वो पैंट सूट पहन के जाते, हमारे माँ बाप साला छोटी रखे हैं, धोती पहन के जा रहे हैं, तिलक लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं। ये हमारी संस्कृति के प्रति हमारे मन में हे भावना पैदा कर दी गई थी। अब ये धीरे धीरे सब बाहर आ रहा है कि हमारी संस्कृति कितनी रिच है। बिल्कुल सही बात है। सर आपने एक चीज नोट किया होगा, अभी रिसेंटली होली का फंक्शन हुआ, यही अंकित खोसिया जी ने मुझे ये भी बोला कि आप नोट करेंगे कि दिवाली कम मनाई जा रही है पहले से, हमारे जो त्योहार हैं जैसे दशहरा है, होली है, ये भी कम मनाया जा रहा है, लेकिन हम न्यू ईयर क्रिसमस बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दैट मीन्स हमने फॉरेन के कल्चर को तो अपनाना शुरू कर दिया और अपने ही कल्चर को हम भूलना शुरू कर दिया। ये भी बात सही है सर कि हम अपने रूट से करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वापिस आने का टाइम आ गया है। बिल्कुल सही है, और हम लोग बार बार इसीलिए कहते हैं कि भाई सनातन से श्रेष्ठ धर्म कोई नहीं है, सर्वधर्म संभाव अच्छी बात है, पर पहले हम अपने धर्म की रक्षा करें, हमारे धर्म को मजबूत करें, फिर दूसरे धर्म की ओर देखें। मेगा बिसारे जी, व्हाट विल हैपन आफ्टर 1st अप्रैल? 1st अप्रैल को केजरीवाल का अप्रैल फूल बनाया जाएगा और उसके बाद ये परमानेंटली फूल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मेरा अपना मानना है। बाकी ये सामने ज्योतिष जी बैठे हैं, महाराज आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि इनके पहले भी 15 लोग ईडी ने पकड़े थे, आज तक किसी को जमानत मिली नहीं है। साल साल भर से सड़ रहे हैं आप, बहुत मेरे ख्याल से मैंने स्ट्रीम मीडिया देखते होंगे जिसमें वो अटकलें लगाते हैं, अब ये हो जाएगा और ये छूट जाएगा और कुछ नहीं होना जाना है।
लंबा अंदर जाएगा ये, आप निश्चिंत होके चादर ओढ़ के सो जाइए। सर तुषार जी बोल रहे हैं हमारे ऋषि मुनि हिमालयस पर रहते हैं। भाई ऋषि मुनि हिमालयस पे रहते हैं, नीचे भी रहते हैं, और देखने की बात है हम अपने ही ऋषि मुनियों का मजाक उड़ाते हुए लोगों के बारे में, बल्कि उनके मुंह पे बोलते भी नहीं है। आप कभी मोमिन को देखा है कि अपने मौलवी जो रेपिस्ट हैं उनके खिलाफ भी कुछ सुन लें, और हमें कि हम अपने ऋषि मुनियों का मजाक खुद ही उड़ाते हैं, और अगर उड़ाता भी है हम उसकी हंसी में हंसी मिला देते हैं, इसीलिए हमारे लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, बिकॉज हम ही सीरियस नहीं है सर। बिल्कुल, और आशाराम बापू को कैसे फंसाया गया है वो वीडियो भी हम एक दो दिन में आपको दिखाएंगे कि उसको कैसे फंसाया गया था, वो क्या कर रहे थे और किस लिए उनको फंसाया गया। बिल्कुल सही, वी आर मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट आल्सो, वी विल टेल यू जब जैसे वो बनेगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, आज शॉर्ट वीडियो करना था, शॉर्ट करते करते भी 30 मिनट हो गए हैं। कल फिर दोबारा से शाम को मिलेंगे कुछ और धमाकेदार वीडियो लेकर, तब तक के लिए कल शाम को हमें एक युवा भारतीय से इनको मिलाएंगे जो G20 का पार्ट रही है और मोदी जी की टीम का हिस्सा रही है। कल शाम को वो 7 बजे हम लोगों के साथ आएगी, आप लोग कल शाम को 7 बजे मौजूद रहिए और उस बच्ची का उत्साह वर्धन करिए। चलिए कल शाम को 7 बजे मिलेंगे। केवल कृष्ण जी थैंक यू सो मच, हिंद और पराग जी आपने बोला है हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, गोपाल कृष्ण जी जय श्री राम, सो जय श्री राम आप सबको, शिव कुमार जी थैंक यू सो मच फॉर जय श्री राम और हर हर महादेव, जय श्री राम जय भारत जय भारत।